अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय माइक्रोवेव क्वीन ज़ाहिरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सूखे नारियल की बर्फ़ी बनाने वाले हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये अभी सब टुकड़े करके लिए है नारियल के। अभी हम इसको ग्राइंडर में पीस के लेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में। दिख रहा है ना फ्रेंड्स आपको? देखिए, ये मैंने डेढ़ नारियल लिया है, डेढ़ नारियल के ऐसे टुकड़े करके लिए है। अभी इसको हम मिक्सर में पीस के लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मिक्सर का जार लिया है मैंने, उसमें अभी हम ये कोकोनट डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे इसमें, तो एक साथ नहीं पीसे जाएगा। इसमें डाला है, अभी ढक्कन लगा के इसको हम पीसेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये मैंने पीस के लिया है। अभी थोड़ा थोड़ा करके सब एक साथ पीसेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी ये मैंने डेढ़ नारियल का बुरादा बना के लिया है मिक्सर। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने एक पैन रखा है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, क्योंकि तो हम दूध गर्म करेंगे तो नीचे लगना नहीं चाहिए। तो ये पैन रखा है, अभी इसमें हम एक 2 कप ठंडा दूध डालेंगे। तो सब में पहले 1 कप डाला है, ये 1 कप डालेंगे। वैसा 2 कप दूध डाला है फ्रेंड्स मैंने, देखिए दिख रहा है ना आपको, 2 कप। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये दूध डाला है पैन के अंदर मैंने। अभी ये अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दूध गर्म हो रहा है, उसको अच्छे से हिलाया मैंने, अच्छे से गर्म हो रहा है। अभी दूध अच्छे से गर्म होगा, फिर हम उसके अंदर एक एक चीजें डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूध अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। अभी हम इसमें 2 कप शक्कर डालेंगे, ये डाला है और ये 1 कप, ऐसा करके 2 कप शक्कर डाला है। अभी इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे। शक्कर का भी पानी छूटता है ना, तो उसको अच्छी तरह से मिलाना है, मिक्स करना है, चम्मच से हिलाते रहना है, तो शक्कर भी अच्छी तरह से पिघल जाएगी और हमारी बर्फी में भी कुछ लम्स नहीं रह जाएंगे। बुरा दाला डालेंगे, देखिए डालेंगे अब इसको अच्छे से। इससे इसका पानी पूरा, दूध पूरा सूखना चाहिए, जब तक हम मिलाते रहेंगे, मिक्स कर देंगे सब। ये सब डालेंगे और उसको, फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने ट्रे में डाला है, उसको अभी ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से। अभी उसको मैं सेट कर रही हूँ सब तरफ से ऐसा, और उसको फिर हम सेट होने के लिए एक दो घंटे रखेंगे। सेट होने के बाद बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये पूरा सेट करने के लिए रखा है मैंने, 1 घंटा अच्छा सेट हो जाएगी, फिर आपको दिखाती हूँ काटने के टाइम। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो बर्फ़ी बनाई है वो सेट हो गई है। अभी हम इसको काटेंगे, देखिए दिख रही है ना, देखिए अभी हम इसको काटेंगे। इस पे हम पेपर लगाएंगे, सिल्वर पेपर है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी खोबरे की बर्फी बन के तैयार हो गई। आप भी इसे एंजॉय कीजिए। माइक्रोवेव क्वीन ज़ाहिरा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इसको काटेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इसको सेट होने के लिए थोड़ा और फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद आपको गार्निश करके दिखाती हूँ, डिश आउट करने के टाइम आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इसे आप 1 से 2 महीने पैक करके कंटेनर में रख सकते हो और आराम से खा सकते हो इसको। ये ख़राब नहीं होगी और फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा दिन जाएगी। जैसा अभी मैंने आपको 1 महीना बोला, तो फ्रिज में रखेंगे तो आप 1 से 2 महीने भी खा सकते हो आराम से रख के फ्रिज के अंदर।